रेनबो चैनल का सतरंगी नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल बटन देख रहे हो इसको दबाकर, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन है इसको जरूर दबाइए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको। प्रदर्शक बिन यानी आरएफ 1:20 करोड़ पर विश्व के लिए बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप बनाना है। प्रक्षेप पर अक्षांश और देशांतर पर अंतराल 30 डिग्री रखना है। इसके लिए 3 स्टेप में गणना कार्य करते हैं। पहले स्टेप में पृथ्वी के लिए गठाए गए वृत्त का अर्धव्यास यानी त्रिज्या, जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, 64 करोड़ पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या है, उसमें 20 करोड़ जो यहाँ प्रश्न में दिया गया उसका भाग देते हैं तो 3.2 सेमी आता है। दूसरी स्टेप में भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr से ज्ञात करेंगे, 2×22/7 या आर 3.2 सेमी वाली ऊपर वाले प्रश्न से ली गई है, इसकी गणना करने पर 20.11 सेमी आएगा। और तीसरी स्टेप है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये 2πr गुणा अंतराल बटा 360 से सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो 2πr का मान अभी दूसरी स्टेप से हमने ले लिया 20.11 × 30/360, 30 ये अंतराल ऊपर से प्रश्न में दिया गया, इसको हल करेंगे तो 1.67 सेमी आएगा, और इसकी सहायता से हम प्रक्षेप बनाएंगे। और समक्षेत्र प्रक्षेप यानी सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आज हम जो गणना करें हैं उससे सीखेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचिए और वो लाइन है उस पर 3.2 सेमी का प्रकार खोलिए और एक यहां देखिए 3.2 सेमी का प्रकार खोला जा रहा है। इससे एक अर्धवृत्त का निर्माण किया जाएगा, यहां अर्धवृत्त है वो निर्माण किया जा रहा है 3.2 सेमी का, क्योंकि जो पृथ्वी के गठाए गए अर्धवृत्त का व्यास यानी त्रिज्या 3.2 सेमी आई थी और जो केंद्र था उस पर सेट स्क्वायर से एक लाइन खींची जा रही है, त्रिज्या उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस वृत्त की परिधि से 20.11 सेमी की लाइन खींचनी है जो भूमध्य रेखा की लंबाई को प्रदर्शित करेगी। जो गणना कार्य किया था उसमें दूसरा बिंदु आया था भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, 2πr से हमने निकाला था, जिसका उत्तर गणना के द्वारा 20.11 सेमी आया था। अब हम 20.1 सेमी की स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे, जैसा कि यहाँ आपको सामने खींची जा रही है, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है। अब हम 30-30 डिग्री के अंतराल जो अर्धवृत्त है इसमें डी यानी जो चांदा है उसकी सहायता से 30-30 डिग्री के कोण बनाएंगे, एंगल बनाएंगे 30, 60 और 90। इसी प्रकार नीचे 30, 60 और 90, क्योंकि अंतराल प्रश्न में 30 का दिया हुआ है इसलिए यहाँ 30 डिग्री के अंतराल पर ये कोण बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार नीचे भी बना देते हैं क्योंकि अक्षांशों के जाल में 30 का अंतर है। अब इसके जो अर्धवृत्त है यहाँ इस स्पर्श रेखा खींचेंगे ऊपर और नीचे और ये इसकी लंबाई रखेंगे 3.2 ऊपर 3.2 यानी दुगुना होगा 6.4 सेमी। ये 6.4 सेमी की ये रेखा हमने खींच दी। अब भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी 1.67 सेमी है, तो अब स्केल पर प्रकार की सहायता से हम 1.67 तो होता नहीं है स्केल पर, 1.7 हम लगभग लेते हैं यानी 1.7 से थोड़ा कम लेते हैं और भूमध्य रेखा पर 12 चाप मारते हैं, 2, 3, 4, 5, 12 चाप इसलिए मारते हैं कि 360 डिग्री पर में अंतराल का भाग देंगे, 360 है उसमें अंतराल 30 डिग्री का प्रश्न में दिया है तो 12 आते हैं इसलिए 12 चाप मारेंगे। तो इस प्रकार हम
ये भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर देशांतर के बीच की दूरी का हम यह चाप मारते हैं, यह करके बताया जा रहा है। 360 डिग्री में यदि अंतराल का भाग दें 30 डिग्री का, तो यह आ जाएगा 12। अब इस सेट स्क्वायर की सहायता से एक 3.2 सेमी की लाइन खींचिए, और इसको, क्योंकि ये प्रकार 3.2 सेमी की त्रिज्या ली थी, यहाँ 3.2 की है और यहाँ भी 3.2 की आप खींच सकते हैं, और स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब जो अक्षांश रेखा है ये ऊपर वाली, वो खींचिए। अक्षांश रेखा इस वृत्त के ऊपर से, जैसा कि आपको खींचना बताया जा रहा है, इस प्रकार आप अक्षांश रेखा खींचिए, और नीचे भी इसी प्रकार खींचनी है। थोड़ी सी सावधानी रखनी है इसमें कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। इस प्रकार आप ये जो 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, तो दूर ऊपर होती है। अब सेट स्क्वायर की सहायता से आप ये 60 डिग्री वाली खींचिए, और यह है 30 डिग्री वाली, सेट स्क्वायर से खींचना है, इसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे पटरी की सहायता, नहीं स्केल की सहायता से। इस प्रकार ये नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 60 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो खींची जा रही है। अब पटरी की सहायता से इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए, 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाले को भी ये खींचा जा रहा है। इस प्रकार ये 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको खींचा जा रहा है, नॉर्थ वाला। और ये दक्षिणी अक्षांश, इसको ये हमने अक्षांश रेखाएं प्राप्त कर ली। अब आप देशांतर रेखाएं जिसका हमने चाप काटा था, ये देशांतर रेखाएं हम प्राप्त कर रहे हैं। इसमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना होता है। इस प्रकार हम देशांतर रेखाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। और जो बीच में है उस पर ये नीचे हम इसके मान लिख देते हैं, क्योंकि 30-30 का अंतराल था, तो ये 180 तक हम, और ये ई यानी ईस्ट का प्रतीक है, पूर्व है, और ये वेस्ट की हम देशांतर लाइन बना देते हैं 180, 180 इस तरफ, और ये अक्षांश रेखाएं हैं 30, 60 और 90। ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और 30, 60, 90 ये हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव है, और बीच में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को हम दर्शा देते हैं। और इस प्रकार ये बेलनाकार समक्षेत्र फल प्रक्षेप और इसकी माप में लिख देते हैं।